بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. اسٹوڈنٹس پریویس لیکچر میں ہم لوگوں نے ایکسرسائز 3.2 اسٹارٹ کی تھی. اس کا ہم نے کوشچن نمبر 1 کیا تھا. آج ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں کوشچن نمبر 2. کوشچن 2 کی اسٹیٹمنٹ ہے ایکسپریس ان ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل. اب دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرمینیٹنگ ڈیسیمل ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں؟ فائنائٹ نمبر آف ڈیجٹ آفٹر ڈیسیمل پوائنٹ. جس میں نمبر آف ڈیجٹ ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد کیا ہوتے ہیں؟ فائنائٹ ہوتے ہیں. تو جو بھی ویلیوز ہمیں دی جائیں گی ان کے ہمارے پاس ڈیسیمل پوائنٹ کے بعد دو ڈیجٹ تین ڈیجٹ تک آنسر آ جائیں گے. تو پہلی ویلیوز آپ کے پاس 2/100. अब देखिए डिवीजन में न्यूमिरेटर हमेशा अंदर आता है, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है. या सिंपल में ये याद रखें कि फ्रैक्शन ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखेंगे, नीचे वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. देखें 2/100 बाहर. अब जरा गौर करें, अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से छोटी है. अगर इस तरह करके इसको पॉइंट लगाते हैं ऊपर नीचे क्या आ जाता है? एक जीरो आ जाता है. लेकिन अब भी देखते हैं अंदर वाली वैल्यू 20 है, बाहर 100 है. अंदर वाली वैल्यू अभी भी बाहर वाली वैल्यू से छोटी है. ऐसे केस में हमें क्या करना है? स्टूडेंट्स एक बार याद रखें, पॉइंट हमें हर स्टेप में एक जीरो देते हैं. ऊपर लगा हुआ पॉइंट हर स्टेप में हम एक जीरो लगा सकते हैं. अगर उसके बाद भी जीरो की जरूरत पड़े तो जितने जीरो हमें नीचे लगाने हैं उतने जीरो हमें ऊपर लगाने पड़े. अब देखें यहाँ हमारे पास बाय 100 था, अंदर टू का पॉइंट लगाया तो जीरो हुए 20 बने. अभी हमें बाय 100 है, अंदर 20 है, वैल्यू बाय वाली बड़ी है. तो हम क्या करेंगे? एक जीरो अंदर लगा देंगे, एक जीरो ऊपर लगा देंगे. अब अंदर क्या हो गया? 200 बाय क्या है? 100. तो 100 टू टाइम 200 होता है. और ये आपके पास इसका आंसर कितना आ गया? 0.2. क्लियर स्टूडेंट? पार्ट नंबर 2 देखते हैं इसका. नेक्स्ट पार्ट है 27/20. देखिए 27 अंदर 20 बाय अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से बड़ी है. 1 टाइम क्या आएगा? क्या आ जाएगा? 20. 7 से 0 गए, 7 से 2 गए 0. अब देखिए अंदर वाली वैल्यू 7 बाहर वाली वैल्यू 20. आपको भी बता दूं पॉइंट हमेशा एक जीरो रहता है. ऊपर पॉइंट लगेगा, नीचे क्या आ जाएगा? 0. बाय 20 अंदर 7 23 टाइम 60 0 0 और 7 से 6 से आ. देखें 10 ऊपर पॉइंट लगा हुआ है. अभी आपको बता चुका हूँ कि पॉइंट हर स्टेप में एक जीरो हमें देता है. अगर हमें हर स्टेप में एक जीरो लगाना पड़े तो उसको पॉइंट का मतलब जाता है. अब 100 बाय 20 25 टाइम कितना होता है? 100 होता है. तो ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 1.35. नेक्स्ट 20/8 20 अंदर 8/. देखें अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से बड़ी है. तो 8 से टेबल 20 के करीब करीब कितने जाता है? 8 2 16 4 आ जाएगा. अब अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से छोटी आ रही है. ऊपर पॉइंट नीचे 0. अब 8 के टेबल पर या 40 आ जाए या 40 के करीब करीब आ जाए. 8 5 साल आपके पास क्या होता है? 40 होता है. तो ये डायरेक्ट पूरे पूरे टेबल चला जाए.
तो आंसर आपके पास कितना आ गया इसका? 2.5। नेक्स्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 4, पाई पावर 1000। अब देखो 500 1000 बाय अंदर 5 बाय 1000 अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यू से बहुत छोटी है। 0.7 0 अभी तो 50 बना है बाय 1000 है। तो अब देखें एक जीरो अगर हम लगाएंगे तो एक जीरो ऊपर लगाना पड़ेगा। पॉइंट हर स्टेप में एक जीरो देते हैं, उसके बाद जितने जीरो नीचे लगते हैं उतने जीरो हमें ऊपर लगाने पड़ते हैं। अब ये जीरो एक लगाया, एक जीरो मैंने यहाँ लगा दी है। अगर भी देखें बाय वाली वैल्यू बड़ी है अंदर वाली छोटी है, तो एक जीरो और लगा दें नीचे भी ऊपर भी। देखें अभी मैंने दो जीरो अपने पास से लगाए, ये एक जीरो तो पॉइंट रहता है ना, उसके बाद दो जीरो मैंने नीचे लगाए, दो जीरो मैंने ऊपर लगा दिए। अब अंदर वैल्यू क्या होगी? 5000 होगी। अब 1000 5 टाइम कितना होता है? 5000 होता है। और ये आपके पास किसकी वाला है? 0.005 की बता दें। नेक्स्ट पार्ट एक और अटेम्प्ट करते हैं। पार्ट नंबर 5 24/32। इसी तरह से 24 अंदर 32 बाय, अब देखिए 24 छोटा है 32 बड़ा है, पॉइंट 0। अब 32 का टेबल 2240 पे पूरा पूरा जाए या उसके करीब करीब जाए, तो 32 को 7 से मल्टीप्लाई करा दें। आपके पास कितना आ गया? 224। ये इसके करीब करीब नंबर है। अब इन वैल्यूज को आप आपस में माइनस करें, और ये माइनस होने के बाद आपके पास क्या आ गई? 16 आ गई। पॉइंट लगा हुआ है तो एक जीरो हर स्टेप में लगा सकते हैं। अब 32 का टेबल पढ़ेंगे, या आपके पास 160 पूरा आ गया या इसके करीब करीब चला गया। तो 32 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 टाइम 160 आ गया। तो ये आपके पास किसकी इक्वल आ गया? 0.75 की इक्वल आ गया। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन मुकम्मल करेंगे। इसके एक दो पार्ट अभी बाकी हैं, आप लोग उसको खुद ट्राई करें, इजीली आपसे हो जाएंगे। इन क्वेश्चन को देखें, सारा प्रोसीजर सेम। बहुत शुक्रिया।